जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में बात करेंगे डोजीगोन बनने के बारे में, जिससे कि इस इमेज का लुक थोड़ा अच्छा लगे। बिल्कुल डार्क इमेज है, इसको थोड़ा ब्राइट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को थोड़ा सा हल्का सा ब्राइट करते हैं, उसके बाद उसको अपन डोजीगोन बनने वाली ट्रिक अपन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें एडजस्टमेंट लेयर लगाता हूँ। आप देखिए, मैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लगा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट वेयर लगाते हैं। आप देख सकते हैं ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं अपन इसकी, ज़्यादा नहीं करनी है, इमेज सही दिखनी चाहिए उतनी ही करनी है। मैं इसको आपके सामने ले आता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ इशू हो रहा होगा, इसमें क्या चल रहा है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं एडजस्टमेंट लेयर लूँगा जिसका नाम है कर्व्स, जो कि सबसे पावरफुल होती है। इससे थोड़े से अपन हल्की सी इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल हल्का सा, जिससे जो डिटेल्स है वो भी अपन को अच्छे से नज़र आ जाए। और ये इमेज आपको डाउनलोड करनी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से इस इमेज को आप डाउनलोड करके मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ बंद। इसमें सिर्फ ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी अपन ने इससे छेड़ा है, लेकिन अभी डॉजिंग एंड बर्निंग वाली टेक्निक अपने यूज़ नहीं करी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लगानी है जिसका नाम है कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर। उससे अपन को क्या करना है, पहले अपन को ये चेक करना है कि अपन को किस एरिया के अंदर डॉजिंग करनी है। डॉजिंग मतलब होता है उस एरिया को ब्राइट करना, बर्निंग मतलब उस एरिया को डार्क करना। याद रखने के लिए बर्निंग का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ जलाते हैं तो डार्क हो जाती है, इसलिए आप उसको सिंपली याद रख सकते हैं कि बर्निंग मतलब डार्क होना। अभी मैं पहले डॉजिंग यूज़ करूँगा, तो इसको मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ अप्रॉक्स इतना, क्योंकि मुझे इस एरिया के अंदर यहाँ पे मिडिल वाले एरिया के अंदर यूज़ करनी है। तो जितना मुझे लगता है ठीक उतना इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, और फिर इसको बंद कर दीजिए। इसको रीनेम भी कर सकते हैं आप डॉजिंग, और ये दोनों को ग्रुप बना के सिंपली आप ग्रुप में डाल के यहाँ पर ले सकते हैं ब्राइटन। अपन ने इस इमेज को सिर्फ ब्राइटन किया है इस वाले लेयर से। ठीक है, अब इस लेयर का जो मास्क है, एडजस्टमेंट लेयर की मास्क की बात कर रहा हूँ, ना कि इसके एडजस्टमेंट की प्रॉपर्टीज़ की। एडजस्टमेंट लेयर का जो मास्क है उस पर आपको क्लिक करना है और कंट्रोल प्लस आई को प्रेस करना है, जिससे जो मास्क है वो इन्वर्ट हो जाए। अब ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल के लिए सिंपली आपको बी दबाना है, यहाँ से आप ले भी सकते हैं, और फ्लो इसका आप कम कर लीजिए अप्रॉक्स 50% के आसपास आप कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे जो कलर दे रखे हैं आप, यहाँ पे जो फोरग्राउंड कलर है उसको आप वाइट कर लीजिए, क्योंकि आप जब पेंट करेंगे तो उसका उल्टा होगा, रिवेल हो जाएगा। अगर आप इसको ब्लैक रखते हैं तो इसका उल्टा होगा, जो कि डिफ़ॉल्ट पहले से ही वहाँ पे अपने ब्लैक रखा है। तो यहाँ पे अपन को वाइट करना है, उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्ट इसको भी प्रेस कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ एक्स भी प्रेस कर सकते हैं। जूम करिए और ब्रश की साइज़ को आप राइट क्लिक करके इसको छोटा कर सकते हैं, अप्रॉक्स इतना नहीं, थोड़ा इतना। ठीक है, अब देखिए इस एरिया के अंदर मैं इसकी ब्राइटनेस को, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कंट्रोल जेड करिए, फ्लो को थोड़ा कम करिए और फिर उसको अप्लाई करिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ब्रश थोड़ी सी और छोटी कर लेते हैं, ज़्यादा ही बड़ी है। इमेज काफ़ी मेरी HD है, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी, तो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ मैं इसकी स्पीड। अब आप देखेंगे वो इफ़ेक्ट बिल्कुल गंदा लग रहा है, उसके लिए आप उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ये इफ़ेक्ट ओपन हो जाएगा, उसको थोड़ा सा आप लो कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा था अपना एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करने का। अब आपको इसको रियलिस्टिक दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेयर को सिलेक्ट रखना है, इमेज में जाना है और अप्लाई इमेज। लेकिन अभी आप देख सकते हैं वो ऑप्शन बंद हो रहा है, जूम करके देखिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पर बंद मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये आपने उसके एडजस्टमेंट को, उसकी सेटिंग्स को क्लिक किया है, अपन को उसकी मास्क पे क्लिक करना है। मास्क पे क्लिक करके आप इमेज पे जाइए और अप्लाई इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और जो सेटिंग्स है वो डिफ़ॉल्ट रहने दें। सोर्स आप देखेंगे, जो सोर्स ये वाला लिखा हुआ है ये इसलिए लिखा है कि इस जो इस इमेज का नाम है वो सोर्स ये मानेगा। मर्ज रहने देना, RGB रहने देना, मल्टीप्लाई इसको छेड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई रहने दो, ओपेसिटी 100% आपको रखनी है। इन्वर्ट अभी यूज़ नहीं करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें इन्वर्ट यूज़ करेंगे। ओके कर देता हूँ, तो आप देखेंगे अब अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा इफ़ेक्ट बिल्कुल कम है, उसके लिए आप इसको बंद करके कर देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये डॉजिंग एंड बर्निंग बोलते हैं इसको, जिससे कि डार्क एरिया और डार्क हो जाए, ब्राइट एरिया और ब्राइट हो जाए। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मास्क को सिलेक्ट करिए, ब्रश टूल लीजिए
फोरग्राउंड कलर को ब्लैक करिए, या मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आप इसको यहाँ से मिटा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, बीच में मैच नहीं हो रहा था इमेज से। अब बात करते हैं बर्निंग की। उसके लिए आपको वापस कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है जिससे वो डार्क हो जाए, इतना डार्क ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इसका रीनेम कर लेते हैं VURNING बर्निंग, और लेयर मास्क को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस आई प्रेस करना है जिससे वो इन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पे वापस वाइट कलर आपको ले लेना है। अब ब्रश को जूम करिए थोड़ा सा और ब्रश को इंक्रीज़ कर लीजिए, जो एरिया आपको डार्क करना है उस एरिया को आप डार्क कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, इस पर क्लिक करके अपन इसको यहाँ से कम भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। और जो एरिया है बाकी जिसको आपको डार्क करना है वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे आप शेडो दिखाना चाहते हैं, जैसे बैक एरिया है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो यहाँ से आप इसको डार्क कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इतना बेटर है, लेकिन अभी वो रियल नहीं लग रहा है, उसके लिए आपको वापस इमेज में जाना होगा और अप्लाई इमेज पे क्लिक करना होगा, और याद रखना ये वाला सिलेक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी आप देखेंगे जैसे मैं इसको ओके करता हूँ कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो क्यों नहीं हुआ है कंट्रोल जेड करिए फिर दिखाता हूँ। इमेज में जाना है, अप्लाई इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे इन्वर्ट वाला जो ऑप्शन है इसको आप QR ऑन कर लेना है और फिर ओके करिए, तो आप देखेंगे जो बर्निंग वाली इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। इसको आप ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, और इंक्रीज़ करना हो तो इस पर आप क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो आपको इच्छा वो आप कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि आप बाद में भी इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी और जो टेक्निक है वो बाद में बताऊँगा, उसमें आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वो भी टेक्निक थोड़ी हाई वाली टेक्निक होती है, वो आप बाद में बताऊँगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसको आप ग्रुप बना के रख सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को एक साथ कम कर सकते हैं, आपको लगे कि ज़्यादा हो रहा है तो एक साथ आप कम भी कर सकते हैं। एक एक को क्लिक कम करना है तो डबल क्लिक करिए, यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा करना है ज़्यादा हो जाए, कम करेंगे कम हो जाएगा। तो ये सब आपके हाथ में है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, ऐसी वीडियो और चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो देखने थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।